अमित शाह जी की जो छोटी बहू है वो मुझे अपना भाई मानती है, और आज भी उनका जब रक्षाबंधन होता है तो वो अपनी रक्षा जरूर करती है। और एक बात और बता दूं, संस्कार देखने को मिलते हैं कि रक्षाबंधन में राखी कभी भी भेजने से इनकार नहीं किया। कहा कि आपका बच्चा भी इंडस्ट्री में है और इतनी बड़ी बड़ी, हम सबको पता है उड़ान कितनी कामयाब फिल्म थी, कितनी सक्सेसफुल फिल्म थी, और आप समझते हैं कि एक फिल्म बनाने में कितना पैसा लगता है, कितना सीरियस बिजनेस है। किसी एक शख्स की वजह से जब लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्म को बायकॉट करा जाता है, एक स्पॉटमैन, एक लाइटमैन, एक खाना खिलाने वाला, एक टेक्नीशियन, एक एडिटर, ये सब सफर करते हैं लेकिन बायकॉट होता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जब भी कोई, मैंने कहा कि पिक्चर या फिल्म ये हमारे समाज का आईना है, इससे ही हम देखते हैं। अकेला हीरो बाद में पिटते पिटते सबको मारता है, यानी बुराइयों के ऊपर अच्छाइयों को दिखाया जाता है। वो टेक्नीशियन या उनको मैं सबको बधाई देता हूँ कि कितनी बढ़िया टेक्नीशियन सब करते हैं, लेकिन जहाँ तक पिक्चर का सवाल है वो पसंद करता है व्यूअर के ऊपर, जो लोग देखते हैं। अब उनके पसंद का नहीं हुआ तो उनकी ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। लेकिन किसी एक आदमी की वजह से अगर जनता नाराज है लेकिन बाकी लोग भी उसमें पिसते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा टेक्नीशियन होते हैं, एडिटर होते हैं, आप फिल्म मेकिंग समझते हैं सर, तो ये कितना सही और वाजिब होता है? मेरा फिर यही कहना है कि जब सेंसर बोर्ड में पिक्चर जाती है तभी फैसला होना चाहिए क्या गलत है क्या सही है, जिससे वो सुधार ले। बहुत अच्छा। और सुधारने के बाद जब पिक्चर आएगी तो ये स्थिति नहीं आएगी। अच्छा, सेंसर बोर्ड में कभी कोई डायरेक्टर कोई ये अपने को यहाँ वहाँ से मिल करके किसी तरह पास कर दो, अगर वो करा लेता है तो यही मुसीबत होती है। अगर सेंसर बोर्ड सही तरीके से नाम से अगर पिक्चर को मतलब कर दे, सर्टिफिकेट दे दे, तो मुझे लगता है कि चिट्ठी आई। मेरे आखिरी दो सवाल है, तो आप ये मानते हैं कि लाल सिंह चड्ढा के दौरान सेंसर बोर्ड की कहीं गलती हुई है, उनको पहले ही फिल्म रोक देनी चाहिए? मैंने पिक्चर देखा नहीं है। दूसरा सवाल आपसे करना चाहूंगा, रंग दे बसंती जब आमिर खान बनाते हैं तो उन्हें देशभक्ति का सबूत दिया माना जाता है कि क्या फिल्म बनाई है आपने देशभक्ति के लिए, और फिर जब लाल सिंह चड्ढा आती है तो नजरिया बदल जाता है, क्या आप मानते हैं राजनीति से कहीं प्रेरित है? नहीं, फिर मैं कह रहा हूं कि विषय लाल सिंह चड्ढा जिस उद्देश्य से बनाया गया उसमें अगर त्रुटियां थी तो सेंसर बोर्ड से क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि आमिर खान एक हमारा पिक्चर का, एक देश का हमारा मतलब ये है, मैं क्या कहते हैं, हमारी मतलब संपत्ति है। इसलिए आमिर खान हो या सलमान खान हो या अक्षय कुमार हो, वो व्यक्ति जब रोल करता है, जिसका रोल करता है वही होता है, लोग उसको नहीं देखते हैं। आज तक दिलीप कुमार का नाम बहुतों को नहीं पता है। ये हमारा हिंदुस्तान ऐसा है, ये रंग दे बसंती ऐसा नहीं है, ये हमारी फुलवाड़ी है, इस फुलवाड़ी में हर रंग के फूल होते हैं, इसीलिए एकता अनेकता में एकता है, ये हिंदुस्तान का कल्चर है। इसलिए मेरा यही कहना इस बारे में कि फिल्म सर्टिफिकेट देने के पहले सेंसर बोर्ड से पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में एक विरोध करे दूसरा सपोर्ट करे, ये ठीक नहीं है। और भी क्या कुछ कहना चाहेंगे धोखा को लेकर, किस प्रकार गौरव मैं धोखा हूँ या आपने कोई भी शुरू कर दे चलेगा। हम लोग यहाँ से देहरादून गए, काफी अच्छा शेड्यूल रहा हम लोगों का, मौसम चेंज बस धोखा क्या कैसे होना था ये देखना था हमें, और धोखा मिला है लड़के को हमारे, उसके पहले हम लोगों को मिल चुका, हमको भी मिला था, ऐसा धोखा दिया कि हमारी हीरोइन अभी तक आई नहीं है, चली गई है वो हीरोइन अभी तक धोखे में है या धोखे में रखा है हमें पता नहीं। गाना बहुत अच्छा बना, आप लोगों ने देखा होगा, अभी वापस चलाएंगे और आई थिंक सबको पसंद आएगा गाना, कोशिश की हमने अच्छा करने की, बाकी तो आप लोग ज़्यादा अच्छा बताएंगे। सर आपको शेयर करना चाहेंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैं तो देखो पैदा ही मज़े लेते हुआ था और अभी तक मज़े ले रहा हूँ, धोखा हो इंसाफ हो मज़े ही लेता हूँ मैं अभी भी खुश हूँ, मेरे को समझ ही नहीं कि मैं क्या बोलूँ आपको, बस खुश रहना अच्छा लगता है, दूसरों को भी मजा लेने के लिए धोखा बनाया लगता है। ये देखिए ना राज भाई बोले ये कुछ मैंने मतलब डिफरेंट किया है, पहले मैंने रोमांटिक गाने किए थे, सो दिस आई थिंक दिस इज समथिंग डिफरेंट विच आई हैव डन, और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है आप सबका।